हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका अपना अंकुश भारद्वाज और आ गया हूं एक नया व्लॉग लेके। तो इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं अहमदाबाद से नागपुर और नागपुर से मुंबई। नागपुर में शो के लिए जा रहा हूं और ये है मेरे साथ जो है ये पूजन भाई हैं। एक्चुअली मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया था और उस वजह से जो ऑडियो है वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। बहुत ज़्यादा नॉइज़ था वहाँ पर क्योंकि हम शटल बस में बैठे हुए थे। पर जो भी है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, बने रहिए इस व्लॉग में मेरे साथ। हमारा जो आज का प्लेन है वो ATR होने वाला है। ATR होता है जो छोटे वाला प्लेन होता है, इसमें 70 या 75 आसपास सीट्स होती हैं। तो ये देखो पूजन भाई, आप देखोगे ये है हमारा आज का एयरक्राफ्ट, इसमें निकलने वाले हैं नागपुर। और अंदर से कैसा दिखता है वो भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। आइए भाई, तो ये हमारा एंट्रेंस है, पिछले वाला गेट है। इसमें बहुत कम सीट्स होती है, बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है। बुरे हाल सुबह के 5:30 बज रहे हैं। हम दोनों ही बहुत ज़्यादा नींद है, ठीक है। आप और कुछ देख सकते हैं, हम लोग निकल चुके हैं नागपुर के लिए। AC अभी चल नहीं रहा है एयरक्राफ्ट का, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पूरा एग्जॉस्ट हो गया तो अभी जाएंगे वहाँ पे और जाके सीधे ब्रेकफास्ट करेंगे और सो जाएंगे। वैसे तो कॉर्पोरेट मील हमारा है, इसमें देखते खाने में क्या मिलता है। खाने में जो आता है मैं आपको दिखाता हूँ क्या मिलने वाला है खाने में। इंटीरियर लाइन्स के ATR में अभी कुछ टेक ऑफ होने वाला है, वहाँ बिल्कुल लग गया है। कृपया अपने सीट पॉकेट में रखें, सुरक्षा अनुदेश पत्र को निकालें और हमारी तरफ ध्यान दें। टेक ऑफ होने वाले ये कुछ टेक ऑफ की वीडियो मैंने लेने की कोशिश तो की है। बाहर अंधेरा था तो आप लोगों को साफ तो कुछ नज़र नहीं आएगा, पर हाँ ये आप देख सकते हैं कि कुछ लाइट्स जल रही हैं। जब हम टेक ऑफ हुए थे तो हम ये आसमान की ऊंचाइयों में पहुंच चुके हैं इस वक्त। ये हम लोग नागपुर पहुंच चुके हैं। अभी जो हमारा एयरक्राफ्ट है वो लैंड होने वाला है, तो उसकी छोटी सी जो झलक है ये आप देख रहे हैं इस वक्त। ये आप देख सकते हैं, खूबसूरत सी परछाई भी दिख रही है। देखो एकदम नीचे हमारा जो एयरक्राफ्ट है उसी की परछाई नीचे सड़क पे, वो देखिए सामने एकदम एग्जैक्टली ये हमारे एयरक्राफ्ट की परछाई नीचे जो पड़ रही है। इस एयरक्राफ्ट की विंडो जो है वो इतनी ज़्यादा साफ़ तो नहीं है, पर आई होप कि आपको बाहर का नज़ारा साफ साफ दिख रहा है, जितना भी दिख रहा है थोड़ा छोटा मोटा। और मास्क पहनना मुझे ज़रूरी है यार, इसलिए मास्क पहना है। हमारी शटल बस भी आ चुकी है, इस एयरक्राफ्ट पर हम लोग आए, तो अब चलते हैं आगे। ये हम अराइवल पर पहुँच गए हैं नागपुर एयरपोर्ट के। ये है एंट्रेंस हमारी नागपुर एयरपोर्ट का, अराइवल ये है। बहुत ही खूबसूरत, खाली खाली है अभी, खाली है। अभी G20 देशों का सम्मेलन है, इसलिए यहाँ पर अभी तक ये बोर्ड लगा हुआ है। हुआ होगा शायद रिसेंटली, हुआ होगा जल्दी। लोग बेल्ट पे हैं, पूजन भाई का बैग तो आ गया, आगे मेरे बैग का वेट हो रहा है। वैसे नॉर्मली मेरा बैग जल्दी आ जाता था, पता नहीं। हाय व्हाट्सअप एवरीवन, तो होटल पहुंचा था, यहाँ के सो गया था क्योंकि सुबह हम लोग बहुत जल्दी उठ गए थे, तो वो लाजमी था कि हम लोग यहाँ पहुंच के सो जाएं। तो अभी गला भी अच्छा लग रहा है, फ्रेश भी हो गए हैं। अभी इसके बाद अगर मैं साउंड चेक पे जाता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि साउंड चेक का जो प्रोसेस है वो कैसे रहता है। तो चलिए मिलते हैं आपको साउंड चेक पर। लाइट नहीं है चेहरे, लोग निकल चुके हैं शो के लिए। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, देखो पीले येलो डर्टी फेलो नहीं, पर येलो द बेस्ट फेलो। पूजन भाई इधर हैं और आगे हैं हमारे साथ कुर्तिन भाई। कुर्तिन भाई को देख,
कुतिन भाई टॉर्च मार ये कुतिन भाई तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी साउंड चेक फिलहाल नहीं हो पाया है। I don't know कि we'll get a chance to do sound check or not, पर जो भी होगा भगवान के जैसा अच्छा होगा। जय श्री राम, मिलते हैं आप सभी से ऑन स्टेज। मेरी हर नजर पे सब। तो अभी हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं, ये देखो हमारा पूरे टेबल सज गए सभी के सामने। ये मयूर भाई, ये हमारे साईं साईं पूजन भाई, कृतन भाई उधर बैठे हैं, हमारे कौस्तु कौस्तु भाई टेंशन में लग रहे हैं पता नहीं क्यों। शो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया हम लोगों ने। साउंड अरे सॉरी भैया, ये बहुत मजा आया हम लोगों को। अभी क्या इसके बाद हम लोग क्या गपशप मारने वाले हैं, मैच लगा हुआ है। तो बाकी जो शो के वीडियोस हैं वो भी आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये है जी ऑरेंज सोन पापड़ी, ट्रीट लिखा हुआ है। ये हमारे भाई लोग हैं, मयूर भाई, हमारे कौस्तु भाई लोग हैं, हमको गिफ्ट किया जाते जाते कौस्तु भैया। तो ये जो हमारे कौस्तु भाई थे उन्होंने खुद नहीं गए, जोमेटो से ऑर्डर करके लाए हैं। जोमेटो से दूसरा संतरा बर्फी ऑर्डर किया जोमेटो। अच्छा ये खुद आए आप लोग लेके? ये लेके आए जतिन भाई। हाँ हम लोग ही लेके। थैंक यू जतिन भाई। तो जतिन भाई हमारे लिए लेके आए तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने खाया नहीं कभी जिंदगी में, खा के देखता हूँ। भैया बहुत ज़्यादा ही भारी है, तो ये पैकिंग इतनी ज़्यादा हल्दीराम वालों ने कड़क कर रखी है। वो सब तो सही है, बट हवा काफ़ी तेज़ चल रही है इंडोर में, तेज़ चल रही है, बाहर बारिश चल रही है। ये सील्ड है, सील किया, बहुत ही अच्छी खुशी हुई, मुझे लग रहा है कि कुछ कमाल की चल रही है। तो ये मैंने खोल दिया है, देखिए एक इनको खिलाओ। पूजन भाई, भाई बहुत डन, भाई लोगों को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। हेलो गाइस, थैंक यू सो मच। अभी आ जाओ भाई, कृतन भाई तो मेरे साथ जा रहे हैं। चलो बाय बाय, सी यू गाइस, बाय 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 बाय। जी ट्वेंटी मीट यहाँ पे हुआ था रिसेंटली, इसलिए यहाँ पे फ्लैग्स आप देख सकते हैं सारे के सारे, सारी कंट्रीज के फ्लैग्स लगे ऑलमोस्ट। भारत 2023 इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। पूरे एयरपोर्ट का सिटिंग एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं है पर ठीक है, डिसेंट है यार, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग यहाँ से फ्लाई नहीं करते हैं। नागपुर इज़ फेमस फॉर द ऑरेंजेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखेगी बहुत सारी संतरों से जुड़ी हुई चीज़ें। जैसे यहाँ पे एक महा ऑरेंज है, यहाँ पे हल्दीराम से वहाँ पे आपको बहुत सारी बर्फी बर्फी मिल जाती है। हल्दीराम की शॉप है, कुतुन भाई को कुछ फैमिली मेम्बर्स के लिए बर्फी, संतरा बर्फी और कुछ नमकीन लेनी है, तो भी डिसाइड करें कि क्या खरीदेंगे। ये कुछ तो पसंद आया कुतुन भाई को, क्या है भाई ये? सोन ट्रीट, ऑरेंज सोन पापड़ी। सोन ट्रीट है कुछ तो, ये संतरा पापड़ी, संतरा पापड़ी है। दो बक्से संतरा पापड़ी के ले रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मीठा।
हल्दीराम से आपको सब कुछ मिल जाएगा, मिल्क केक है, पतीसा है, मैसूर भुर्जी, काजू रोल, राजस्थानी पेड़ा, दूधा बर्फी, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएगी हल्दी राम्स के पास। चलिए, ये ड्राई फ्रूट बाइट्स रहेंगे। अच्छा, तो ये आपके पास ही मिलता है सिर्फ? हाँ जी, नागपुर में हल्दीराम बनाते हैं और भी कोई ब्रांचेस बनाते हैं। तो किसी को भी असोर्टेड ड्राई फ्रूट्स बाइट्स चाहिए तो भाई इनसे संपर्क करें सर से, एयरपोर्ट पे इनकी शॉप है, वहाँ आ सकते हैं आप लोग, और बाहर भी मिल जाता है हल्दीराम्स पे, जहाँ भी हल्दीराम्स की जहाँ भी आपको शॉप मिलेगी वहाँ नागपुर में आपको स्पेशली मिल जाएगा। जी हाँ, कंपनी ने लॉन्च किया है, इसमें फ्रूट ड्राई फ्रूट चॉकलेट्स रहेगा। अच्छा, कंपाउंड चॉकलेट्स। तो ये है जी फ्रूट डिलाइट बेरी ब्लास्ट, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी और स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर्स हैं, तीनों फ्लेवर्स एक डब्बे में ही। तो तीनों अगर फ्लेवर्स आपको एक ही डब्बे में चाहिए एक पैकेट में, तो आप ये खरीद सकते हैं हल्दीराम्स का, कहीं भी स्टोर पर भी आपको मिल जाएगा, पर स्पेशली नागपुर में आपको ये आराम से मिल जाएगा। तो आपका नाम क्या है सर? समीर। समीर भाई, हाँ समीर भाई से संपर्क करें आप लोग। इन्होंने फाइनली लिए दो डब्बे ये सोन पापड़ी के, एक लिए इन्होंने ऑरेंज बर्फी जिसकी वैलिडिटी है बहुत कम, अगर इन्होंने 9 मई से पहले नहीं खाया तो बर्फी बर्बाद। बुकिंग शुरू हो गई है, मूविंग टूवर्ड्स बोर्डिंग गेट। तो अभी मैं एक दफ़े बैठ के आपको बताता हूँ, वी आर फ्लाइंग बैक टू मुंबई, नॉट जस्ट मुंबई। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे लैंड होंगे, लैंडिंग वाली जो हमारी लैंडिंग वीडियो होगी वो मैं पोस्ट करूँगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मॉर्निंग सर, सो दिस इज द एयरक्राफ्ट जिसमें आज हम लोग जाने वाले हैं मुंबई। अभी हम लोग एयरक्राफ्ट से बाहर आ चुके हैं, सब लोग पीछे से आ रहे हैं, बड़ा मजा आया जी, मुंबई पहुंच गए फाइनली। तो ये है मुंबई का अराइवल एरिया है, इसमें ये सारे के सारे एयरक्राफ्ट खड़े हैं। सीरियस, दिस इज टर्मिनल 2 और हम लोग अभी बैगेज बेल्ट की ओर जा रहे हैं, उसके बाद सीधे मैं लेने वाला हूँ ऑटो, क्योंकि ऑटो पहुँचाता है जल्दी, ऑटो लूँगा और सीधे घर। Everyone, तो अभी घर पहुंच चुका हूं, थोड़ा थका हूं। तो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।